ये प्यारे बाबा की कमाल है और बाबा की प्रेरणाओं से ही नई नई सेवाओं की योजनाएं बाबा बनवाते हैं। हम सभी ये मानते हैं ना कि अभी सतयुग आया कि आया, तो ये सतयुग की झलक कहीं तो दिखनी चाहिए, है ना। तो ऐसा उसका एक प्रैक्टिकल स्वरूप कि जहाँ पर भले स्थूल रूप से ऐसे गांव अभी नहीं हो सकते हैं जैसे बाबा हमें सतयुग में वर्णन करता है, लेकिन संस्कारों से सुसज्जित गांव तो बन ही सकते हैं। लेकिन ये संस्कारों से सुसज्जित गांव बनाने के लिए भी इसके फाउंडेशन में क्या चाहिए? संस्कारों का जो सबसे मुख्य आधार क्या है? अन्न। क्योंकि हम कहते हैं और बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। तो विशेष करके बाबा के बच्चों के द्वारा ही एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट तैयार हुआ है जिसको कहते हैं शाश्वत योगिक खेती। तो कई किसान भाइयों ने इसके प्रयोग बहुत सुंदर रूप से बोल रही हो आप लोग सभी गांव से जुड़े हो नहीं जुड़े हो, बहुत अच्छी बात कल लोग भाई ने बताया। हम जो कपड़ा पहन रहे वो भी कहाँ से आता है, हम खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है, पानी पे हर चीज़। दिनचर्या की शुरुआत आप देख लीजिएगा, हम सभी चाहे शरीर के कितने बड़े मल्टीप्लेक्स इसमें बैठे होंगे तब भी हर व्यक्ति गांव से जुड़ा हुआ है। इतनी अच्छी पॉइंट लगी मेरे को, उन्होंने अमेरिका से आए थे वो भाई, कहा कि देखो ये जो कपड़े पहने हुए हम कहाँ से पहने हुए, खाना खाते हैं तो जिसके बिना रह नहीं सकते, तो हमारा जीवन ही किससे जुड़ा हुआ है, अब उसको कैसे श्रेष्ठ बनाए इसके तो यही बात है कि हमारे अन्न का प्रभाव मन पर सर्वाधिक पड़ता है। तो इसीलिए ये जो शाश्वत योगिक खेती है वो बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है। बाबा भी हम बच्चों को ये कहते हैं कि अंतिम समय की जो सेवा है वो क्या है, अंतिम में वाचा की सेवाएं सब बंद हो जाएंगी, लेकिन कौन सी सेवा हम कर पाएंगे? मनसा सेवा। तो मनसा सेवा का सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण है वो शाश्वत योगिक खेती है, क्योंकि हमारी मनसा अवस्था अभी कैसी बनी है उसको चेक करने का अगर कोई प्रैक्टिकल में हमको देखना हो तो शाश्वत योगिक खेती के माध्यम से हम उसको देख सकते हैं। बाबा ने भी जैसे कहा कि जो होलीएस्ट आत्माएं हम किस आधार पर हैं, हमारी अवस्था से प्रकृति में परिवर्तन आता है, प्रकृति के पांचों तत्व में परिवर्तन आता है। तो ये जो शाश्वत योगिक खेती में हम प्राकृतिक खेती की सारी ही विधियों को अपनाते हैं, तो ये पूर्ण तरह से साइंटिफिक है। आज सारे ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट की जो सारी जो सिस्टम मशीनरी है वो सभी अभी इसको पूर्ण तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी इसको पूरी तरह से प्रमोट कर रही है। और इसके साथ साथ हमने विशेष ये जो प्रयोग किए कि हमारे संकल्पों का प्रभाव भी वनस्पति के ऊपर पड़ता है और वो हमारे वाइब्रेशन रिसीव भी करती है और रिस्पॉन्ड भी करती है। तो इसके ऊपर जब गहराई से चिंतन किया गया और प्रैक्टिकल में महाराष्ट्र और गुजरात के और भी अनेक राज्यों के कई किसानों ने जब इसको प्रैक्टिकल किया और उनको जो परिवर्तन मिला उनके खेतों में, उनकी ज़मीन में, आज जैसे दीदी बता रहे थे ना कि पानी सबसे ज़्यादा जो पानी है वो कहाँ यूज़ होता है, 80% वाटर जो है वो कंजम्पशन एग्रीकल्चर के अंदर होता है, लेकिन ये जो केमिकल फार्मिंग आजकल जो बड़ी है उसमें क्या हो रहा है, इस केमिकल फार्मिंग के कारण ज़मीन की ऊपरी सतह जो है वो हार्ड हो गई है, क्योंकि जो केंचुआ जो हमारा जो सबसे श्रेष्ठ मित्र था वो हमसे रूठ गया है,
और उसी के कारण बारिश का जितना भी पानी गिरता है वो बह करके चला जाता है। तो वाटर कंजर्वेशन का सबसे बेस्ट अगर कोई विधि है तो वो है प्राकृतिक शाश्वत यौगिक खेती। इसी तरीके से आज बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं, इन बीमारियों के का भी जो सॉल्यूशन है वो कहाँ है? अन्न पे। क्योंकि हमारा तन क्यों बिगड़ा है? क्योंकि अन्न बिगड़ा है। तो अन्न और मन, तन और मन दोनों का प्रभाव, दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन अन्न से है। और हम देखते हैं कि ये जो संपूर्ण ग्राम विकास का ये जो मुद्दा है, ये भी इसका भी जो धुरी है वो क्या है? शाश्वत यौगिक खेती। क्योंकि कोई भी गांव का जो विकास है वो उसकी जो मूल जो फाउंडेशन में जो है वो खेती समाई हुई है। खेती और उसके जो एलाइड जो कंपोनेंट्स हैं खेती से संबंधित, गांव के अंदर पशुपालन हो गया या लोहार का काम हो गया या जितने भी उसके एलाइड कंपोनेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं किससे जुड़े हुए हैं? खेती से जुड़े हुए हैं। तो अगर हमें संपूर्ण ग्राम विकास के ऊपर फोकस करना है तो धुरी में खेती और उसके साथ साथ जो भी अलग अलग व्यवसाय हैं उसको हम इस प्रोजेक्ट में सम्मिलित करते हैं। और भारत सरकार ने बहुत सुंदर इसको क्रियान्वित करने के लिए 9 LSDGs दिए हैं। इसको कहते हैं लोकलाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये पूरे प्रोजेक्ट में उन्हीं मुद्दों को लिया गया है जो सरकार चाहती है। तो इससे सरकार की सारी योजनाएं उसके अंदर आ जाती है, सरकारी अधिकारी इससे जुड़ जाते हैं, कई NGOs जो सरकार की ऐसी अलग अलग योजनाओं पे काम करती हैं वो NGOs इससे जुड़ जाती हैं। तो ये केवल एक ग्राम विकास का मुद्दा न हो करके बाबा की जितनी ही विंग्स की जो भी सेवाएं हैं वो सभी सेवाएं हम फोकस्ड होकर के एक गांव में कर सकते हैं। हम जनरली क्या करते हैं अभियानों के अंदर, हम 100 गांव में एक बार चक्कर लगाते हैं। लेकिन और बाबा का बहुत अच्छा संदेश हम अपने तरीके से देने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट में थोड़ा रिवर्स करना है। इस प्रोजेक्ट में एक गांव में 100 बार जाना है, थोड़ा फोकस्ड होना है, उससे रिजल्ट आता है, उससे इम्पैक्ट क्रिएट होता है और उससे पूरा जो है सरकारी भी सारा महजमा हमारे से जुड़ जाता है और प्रैक्टिकल में इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो समाज भी गांव भी हमारे से जुड़ता है। और ये जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था ये बात है 4 अगस्त 2019 की। सबसे पहला गांव जब हमें मिला गुजरात के कच्छ में, वो संडे का दिन था और उसमें अव्यक्त महावाक्य चले और बाबा ने मुरली में ये कहा कि आप एक गांव को उठा करके, जैसे गवर्नमेंट कहती है ऐसे एक गांव को उठा करके सैंपल बना करके दिखाओ, क्योंकि अभी संसार प्रैक्टिकल देखना चाहता है, सुनना नहीं चाहता। तो जब ये प्रैक्टिकल का स्वरूप जब ये संसार देखेगा तो सभी आपके सहयोगी बनेंगे और फिर एक से दो, दो से चार ऐसे फैलता जाएगा। और उसी श्रृंखला में हमें ये बाबा का जाहोता गांव मिला। ये श्याम प्रताप राठौड़ जी ये सरपंच हैं उस गांव के और ये गांव हमें मिला। और प्रैक्टिकल जो भी बाबा ने बताया था और जो भी हमारे विजन में बातें आ रही थी वो इस गांव में हो रहा था। तो हम श्याम भाई जी से भी इसका अनुभव सुनेंगे कि आपने कैसे प्रैक्टिकल में अपने गांव को ऐसा आदर्श बनाया और अब इस मुहिम में आप हमारे साथ जुड़े हैं कि न केवल एक जाहोता लेकिन भारत में जैसे बाबा के कम से कम 5,000 सेवा केंद्र आज पूरे भारत में हैं, अगर एक एक सेवा केंद्र एक एक गांव को भी अगर उठा ले और फोकस होकर के कार्य करे तो ऐसे 5,000 मॉडल तैयार हो सकते हैं और ये पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ा पथ प्रदर्शक बन सकते हैं। तो इसी विजन के साथ में बाबा का ये राजऋषि गोकुल गांव प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। हम सुनेंगे श्याम भाई जी से कि आपने कैसे इस गांव को अपने आप को प्रैक्टिकल किया
और कैसे आपके गांव में जैसे ये आध्यात्मिक मूल्य आए, आप तो अपने लेवल पे कर ही रहे थे, लेकिन जब बाबा के घर से जुड़े, कैसे आध्यात्मिक मूल्य जब आपके अंदर आए और आपने गांव वालों के संगठन को कैसे इसके आधार पर बनाया और जिससे गांव एक आदर्श गांव बन रहा है। ओम शांति। ओम शांति। कृषि एवं ग्रामीण विकास प्रभाग की अध्यक्षा हमारी प्यारी सरला दीदी के साथ पिछले एक वर्ष से मैं उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। वो हमेशा सभाओं में, जब हमारी ग्रामीण विकास की सभाएं, वो कहती हैं कि हमारा 1 से 1.5 साल का बच्चा है। मुझे अपने यज्ञ से जुड़े 1.5 साल हुआ है, तो अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा नर्वस भी हो रहा हूँ। यहाँ सब काफ़ी पुराने और यहाँ से जुड़े हुए लोग हैं और मैं 1.5 साल का बच्चा हूँ, तो मेरी बात कोई अन्यथा लगे या नॉर्मल मुझे जितना आता है मैं आपसे शेयर करूंगा, तो अन्यथा ना लें। बड़े बोलते हैं तो कम सुनते हैं, जब बच्चा बोलने लगता है ना, वो एक एक शब्द को भी लोग क्या करते हैं बताओ माता है, जो एक भी शब्द बोलता था, अरे बच्चा बोल रहा है कह के बड़े प्यार से सुनते हैं। सुना तो आज हम गाँव की बात करते हैं, तो जिस प्रकार से कल भी एक कार्यक्रम था तो आप में से काफ़ी भाई बहन वहाँ पर थे, तो उस विषय में हमने काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा की। और मैं इन सब बातों के बीच में मात्र इतना सा कहना चाहता हूँ कि हम कई बार बड़ी चीज़ें करने के चक्कर में छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, तो हमें हर शुरुआत को छोटे रूप में करना चाहिए। और कई बार हम ज़्यादा कैजुअली हो जाते हैं कि भाई ये तो आराम से हो जाएगा या एकदम वैसे ही है, और हम हमारे जो प्रयास है, जैसे अभी आज मुरली में हम सुन रहे थे कि दृढ़ता का मतलब है कि हमें मरणोपरांत, मतलब हमें चाहे कुछ भी हो जाए वो करना है। अब उसमें करने के अंतर्गत हम देखते हैं तो हम छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे चूक जाते हैं। जैसे मैंने जब से मैं यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्टूडेंट बना, तब से मैंने सोचा कि यहाँ पर कैसे छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। मैं लगभग 4 वर्षों पहले सरपंच बना, तो उस वक्त पे भी कोशिश तो कर रहे थे, काम कर भी रहे थे, लेकिन जो छोटी चीज़ें थी, जो मानवीय मूल्यों की अभी चंद्रेश भाई बात कर रहे थे, उनसे अनभिज्ञ था। सोचते थे कि ऐसा कर लेंगे, बड़ा ये वो सब कुछ, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें, जो व्यवस्थाएं हैं, जो मैनेजमेंट है, वो मैंने यहाँ आकर सीखा। जैसे हम कई प्रकार की बातें सुनते थे, एक मैं पीछे से आपका अगर बताना चाहूँ छोटी छोटी चीज़ों का महत्व क्या है। जैसे अभी एक बार एक वाक्य मैं किसी से सुन रहा था कि एक माता अपने बच्ची को लेकर डॉक्टर के पास गई, तो जब डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बड़ी चिंतित थी, और क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चों के कुछ होता है तो माता पिता कैसे चिंतित हो जाते हैं। तो उन्होंने डॉक्टर साहब को जाके कहा कि डॉक्टर साहब देखिए मेरी बेटी के कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर साहब ने कहा ऐसा क्या हो गया, कि कितनी साल की है, कि अभी तो ये 4 साल की, तो चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको कोई गोली दूंगा तो इसके ये ले नहीं पाएगी, तो ये 5 बूंद आप इसको इसके डाल देना। उसने कैजुअली कह दिया, मतलब छोटे से रूप में कह दिया। माता ने भी कैजुअली लिया, देखा तो 5 दिन बाद वो बच्ची को वापस लेके आए, उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। उसके उसी हॉस्पिटल में गए, जब सीनियर डॉक्टर्स के पास गए तो उन्होंने ये कहा कि इसके क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि वो डॉक्टर साहब के पास आई थी 5 दिन पहले, उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट दिया था और उसकी तो तकलीफ़ ज़्यादा हो गई। कुछ कौन से डॉक्टर साहब थे, तो उन्होंने कहा ये डॉक्टर साहब थे। तो आइए डॉक्टर साहब बताइए क्या बात हो गई, कि मैंने तो इनको 5 ड्रॉप के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने क्या कहा, कैजुअली कह दिया, तो उन्होंने आपने ये ड्रॉप डाली कहा, थोड़ा सा आराम से कह दिया, तो उन्होंने कहा ये ड्रॉप डाली कहा, कि कान में दर्द था तो कान में डाल दी, तो उनको डालना था मुंह में, क्योंकि गोली वो ले नहीं सकती थी बेटी, तो उसने कैजुअली वो चीज़ वो जो मुंह में डालने वाली दवाई थी वो कान में डाल दी थी, वो तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ गई। तो मेरी बात इस बात का मतलब इतना सा है कि हम कई बार हमें चीज़ें समझ में नहीं आती, तो हम उन चीज़ों को, जैसे मैं कहीं देख रहा था सब लोग लिखते हैं वो करते हैं, तो हमें छोटी छोटी चीज़ों को भी हम जीवन में उतारें तो हम बहुत फ़ायदे मिलते हैं। एक मैं एक घटना और बताऊंगा आपको, लगभग टाइटैनिक जहाज के बारे में सबने सुना होगा। 1912 में एक ऐसा जहाज बना गया जिसके लिए कहा गया कि ये कभी डूबेगा नहीं, उसमें लगभग 2600 लोगों की बैठने की क्षमता थी, सबने सुना उसके बारे में। और जब वो पहली बार गया तो बहुत बड़े उत्सव मनाए गए कि ऐसा जहाज। और उसमें जानकारी के लिए बताऊं कि उसमें जो अपने जो उसमें कुछ छोटी नावें रखते हैं जो लाइव जिसको वो बोलते हैं, तो लाइव सेविंग के लिए, तो वो भी उन्होंने आधी मात्रा ही रखी कि इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कैजुअली लिया, छोटी सी बात थी कि वो जो थे, तो जैसे वो अंदर जब पहली बार गया तो आगे एक बहुत बड़ा बर्फ़ का पहाड़ आया,
तो जो चलाने वाले थे उन्होंने ये कहा कि भाई ये तो डूबने वाला जहाज़ तो है ही नहीं, ये तो डूबेगा ही नहीं, और उन्होंने बहुत साधारण तरीके से ले लिया। लेकिन हम देखा वो घटना, सबने फिल्म में भी देखी, तो उसमें लगभग 1500 लोग मारे गए, घटना छोटी सी थी। तो कई ऐसे जीवन में छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं। आज हम किसी युद्ध की बात करते हैं, बड़े बड़े हमारे पास विमान होते हैं, बड़ी बड़ी राइफल्स होती हैं, वो देखें, लेकिन आप सोचो अगर किसी आर्मी में इनको उसके शूज़ नहीं दें, शूज़ का भी कितना महत्व है। तो वही छोटी सी चीज़ है। तो ऐसे कई वाक्यात हमारे जीवन में होते हैं। एक वाक्य और मैं आपको बताऊं कि एक बार क्या हुआ, एक टीटी था गाड़ी में, एक ट्रेन में एक वहाँ पर मुसाफिर चढ़ गया। उस मुसाफिर ने कहा कि, उसने कहा टीटी ने टिकट चेक कराओ, तो उसने टिकट दिखाया, टिकट देखते कहा कि आपका टिकट गलत है, आप तो गलत ट्रेन में चढ़ गए। वो मुसाफिर उतर गया। फिर दूसरा आया मुसाफिर, आया उसे बोला आपका टिकट चेक कराओ, आपका भी गलत है। ऐसे करके 8-9 टिकट देखे तो सबके गलत निकले, जबकि गलत कौन था? टीटी था। वो उसने आसानी से ले लिया, भाई यार यही रोज़ इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आती है, तो वो उसी पर चढ़ गया, जबकि गलत वो था। तो जीवन में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो मैं इन बातों के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमने गांव में काम किया, तो हमने बहुत बड़े कोई ब्रिज नहीं बनाए, बहुत बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बनाई, हमने छोटी छोटी चीज़ें की, छोटी छोटी गांव की छोटी छोटी परेशानियाँ थी उन पे हमने काम करने का प्रयास किया, और उसके पीछे आज हमारा गाँव एक आदर्श गाँव की दिशा में जा रहा है। उन छोटी छोटी चीज़ों में अगर मैं बात करूँ तो कल काफ़ी विषय में करा, एक विषय में और बताता हूँ। हमने एक बाल पंचायत का आयोजन किया, कल इस विषय में चर्चा नहीं कर पाएंगे, तो उसमें हमने क्या करा, बच्चियों के साथ एक वो करते हैं हम लोग, जिसमें हर वार्ड से बच्चियां वार्ड पंच बनती हैं और एक सरपंच भी हमारे उन बच्चियों से चुना जाता है। ये वैसे तो सरकार ने, राजस्थान सरकार ने सभी पंचायतों के लिए अनिवार्य कर रखा, लेकिन अभी कुछ पंचायतों में नहीं हो रहा, हमने ये प्रयास किया। उसमें क्या होता, बच्चियाँ अपनी प्रॉब्लम्स बताती हैं। अब आप देखिए एक सरपंच के पास कौन बच्चे जाके प्रॉब्लम्स बताएंगे, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम आई हमारे विद्यालय में। एक प्रॉब्लम थी कि स्कूल में एक जो बच्चियों का शौचालय होता है उनमें कुछ शरारती बच्चों ने ईंटें हटा दी थी, कुछ 3-4, तो उसमें जब वो प्रॉब्लम आई थी तो बच्चियाँ शौचालय के लिए नहीं जा पाती थी, वॉशरूम नहीं जा पाती थी, तो उन्होंने टीचर को शिकायत की कि ऐसे ऐसे है, ये प्रॉब्लम है। तो उस टीचर ने सुना नहीं कि इसके लिए तो बजट करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो वो एक छोटी सी शिकायत हमारे बाल पंचायत के माध्यम से पंचायत में आई, एक बच्ची ने खड़े होकर हिम्मत की और ये छोटी सी प्रॉब्लम हमें बताने का प्रयास किया। मैंने वही हमारे अनिल जी शर्मा हैं उनको मैंने बोला, मैंने कहा प्रिंसिपल सर एक बच्ची एक प्रॉब्लम लेके आई है। तो उन्होंने कहा सर मैं कर रहा था, इसने हमें बताया था, लेकिन वो बजट पास नहीं हो पाया। मैं उसी 10 मिनट में बाद गया, हमारे एक मित्र थे साथ में, अनिल जी नाम है उनका भी, वो एक यादव समाज से थे, तो उन्होंने कहा कि भाई इतनी सी चीज़ के लिए आपको बजट की आवश्यकता पड़ी। हमने वही पंचायत से 4 ईंटें उठाई और एक थैली में थोड़ी सी सीमेंट और बजरी लेके चले गए और उसको लगा दिया, और उनको कहा कि देखिए ऐसे छोटी सी चीज़ से भी कितनी चीज़ें बदल सकती, आज कितनी बच्चियों के साथ वो प्रॉब्लम थी। तो मैं ये इन बातों से यही कहना चाहता हूँ कि हमें छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करते थे। अभी दीदी कह रही थी कि माँ के नाम पर एक पेड़ लगाएं, कितना मुश्किल है, एकदम आसान चीज़ हम आराम से कर सकते हैं। कई भाई बहन हैं जो लगा भी रहे हैं, लेकिन हम इसको एक मुहिम बना दें कि ये लगा सकते। और मैं तो कह रहा हूँ मेरी तो एक ही माँ नहीं है, मेरी तो धरती भी माँ है, मेरी जिसको जन्म दिया वो भी मेरी माँ है, गंगा को भी हम माँ कहते हैं, गाय भी हमारी माता है, तो मैं तो कम से कम 4 पेड़ लगाऊंगा, क्यों एक ही लगाऊँ। लेकिन ये सोचिए आप छोटी छोटी शुरुआत से कितने बदलाव आता है। अभी प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि उन्होंने कहा कि ये करें, तो मैंने उनका देखा था शौचालय बनाने का, आज तक किसी ने क्यों नहीं सोचा, कितने लोग आए, ये राजनीति की बात नहीं है लेकिन एक ज़रूरत थी। आप सोचिए एक माँ एक बहन वेट करती थी अंधेरे होने का, आज उनका आत्मसम्मान को कितनी ठेस पहुँचती होगी, लेकिन आज देखो एक शौचालय बनने से उनका आत्मसम्मान बच गया। आज हम गाँव में लिखते हैं तो हम उसको इज्जत घर लिखते हैं नाम भी, तो ये छोटी छोटी शुरुआतें हैं। मोदी जी ने एक बार क्या किया, गोवा के बीच पर गए और वहाँ पर कुछ प्लास्टिक्स थे उनको उन्होंने इकट्ठा करना चालू किया, वो बीच को साफ नहीं कर पाए लेकिन एक मुहिम थी, एक छोटा सा काम था। आज हम क्यों नहीं कर सकते, आज हम जापान जाते हैं, यूके, कहीं भी जाएं आप, कोई भी जाता अपने डस्टबिन को घर साथ नहीं लेके जा सकते, लेकिन कुछ भी चीज़ यूज़ करते तो अपने पर्स में एक पॉकेट अलग से रखते हैं। वहाँ के अभी एक जापान के लिए हमारा कुछ प्राकृतिक रंगों से कपड़ा बनाते हैं, तो हमारे पास एक बैग्स का ऑर्डर आया कि हम बैग बनाने हैं, नॉर्मल थैले, उस थैले में उन्होंने कहा कि हमें एक अंदर से एक वो चाहिए, छोटा पॉकेट चाहिए एक, जो अलग से रहे जिसको हम हटा भी सकें और उसको टेक भी कर लें।
तो मैंने कहा भाई इतना बड़ा थैला है, इसमें छोटे से पैकेट का क्या यूज है? कि हमारे यहाँ पे सिस्टम है, जो भी हम बाहर जाते हैं तो हमारे रेपर्स होते हैं तो वो हम रोड पे नहीं डालते, हम हमारे थैले में, क्योंकि गंदा हो सकता है तो उसको अलग से नहीं रख सकते, तो उसी में रेपर में इकट्ठा करते हैं। सोचिए उनकी सोच कैसी थी। तो ये छोटी छोटी शुरुआतें हमें आगे बढ़ाती है। और हम बात करते हैं ना गाँव की, देश की, आदर्श कैसे बनेगा, वो आदर्श लोगों के आदर्श होने से बनेगा। और ये छोटी छोटी चीज़ें हमें आदर्श बनाती हैं। आज आदर्श हमारे कितने लोग बनते हैं, हम सोचें, जैसे हम ब्रह्मा बाबा की बात करते हैं, उनको हम कहते हैं उनकी ऐसी जीवनी थी, तो वो हमारे आदर्श बने। उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने ये किया, ये किया। हम कितने लोग सुन रहे हैं बचपन से, उनकी जो उनकी कठिनाइयाँ आई उनके साथ वो हमने सुना। मैं तो बड़ा प्रभावित हुआ कि कैसे उन्होंने किसी दूसरे राष्ट्र से यहाँ आए, यहाँ के उन्होंने कैसे बच्चियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, दादियों के साथ उन्होंने किस प्रकार से एक नई मुहिम छेड़ी, कैसे एक छोटे से पौधे को कैसा वट वृक्ष, आज देखिए कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, ये ज्ञान सागर में कितने लोग डूब रहे हैं आज, जो आज इस, मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं तो, मुझे तो इतना अच्छा अनुभव रहा इन 1.5 वर्षों का। मुझे लग रहा था कि मैं तो कुछ था ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था क्या करना था जीवन में। ये था कि चलो एक अपना परिवार है, मेरे बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना दूंगा और कुछ अच्छा सा थोड़ा सा धन कमा लूं और अपने माँ बाप को थोड़ा खुश रख लूँगा, इससे ज़्यादा सोच नहीं थी। लेकिन आज पता चला कि वो मेरे 2 ही बच्चे नहीं हैं, आज मेरे विद्यालय में हम जोड़ते हैं तो लगभग 663 बच्चे हैं। और आज वो 663 बच्चों की जिम्मेदारी हमने ली कि कैसे वो डिजिटल उसको साक्षरता हम दें, उसके ऊपर प्रयास करने लगे। तो सोच बदली है और ये सोच हमारे को यहाँ आने, यहाँ इस विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स बनने के बाद मिलती है। क्योंकि स्कूल में जाने से पहले हम दुनियादारी तो सीख सकते हैं, लेकिन जो शिक्षा जो हमें मिलती है वो यहाँ आने के बाद मिलती है। और आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप कितने वर्षों से इसकी शिक्षा ले रहे हैं और लोगों को भी लाभान्वित कर रहे हैं। तो मैं आज इतना ही आप सब लोगों से कहूँगा कि राधा दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया, इतना मान सम्मान हमारा रख दिया और इतना सीखने जानने की मुझे बुला। थैंक यू सो मच सबको। ओम शांति। ओम शांति। आज बल दिखा नहीं पाए, बहुत सुंदर इन्होंने अपने गांव के जाके सरपंच है ना, उन्होंने गाँव को बनाया है, वो वाला फोटो भी इनके पास, दिखाऊंगी मैं, आप क्लिप दे देना, मैं दिखाएंगे जरूर कैसे गांव वालों को ही जोड़ करके, किसी और से नहीं। वीडियो है, YouTube सबके मोबाइल में है, YouTube आप कोई भी जागोता द हेरिटेज विलेज अगर डालेंगे, जागोता पूरे भारत देश में ऐसा बन गया है ना, इंडिया में ही नंबर 1 सफाई को लेकर के इसको भारत में। और गांव वालों ने सोचा अखबार में फ्रंट पेज में हमारे छोटे से गाँव का नाम आ गया, क्यों आया, हमने छोटा छोटा काम किया, छोटे छोटे काम से फ्रंट पेज में गांव का नाम आता है तो सब क्या कर देंगे, हम और आगे बढ़ेंगे, हम और आपको सहयोग दे देंगे। क्या सहयोग दिया, शुरुआत सबने एक झाड़ू ला करके घर से, शुरुआत कहाँ से हुई, एक झाड़ू लेकर के, एक झाड़ू तो सबके घर में होती, झाड़ू ला करके सफाई से एक सहयोग दिया, उसका रिटर्न क्या हुआ, पूरे भारत देश में एक स्वच्छ गांव, श्रेष्ठ गांव के नाम से आपको भी सम्मान, फिर सब लोग आगे हाथ बढ़ाने वाले तो बाद में मिल जाते हैं, है ना, वृक्ष जब बड़ा होता है सब पानी डालने वाले मिल जाते हैं, शुरुआत में क्या होता है, बीज को पानी डालना ये थोड़ा कठिनाई का। 3 बातें आपने बहुत अच्छी बात बताई, कोई भी अच्छा काम भोग लिए बिना मत जाइएगा, कोई भी काम की शुरुआत होती, भोग प्रसाद ले लो, शुरुआत होती है पहले बदनामी, क्या कहना, 3 बातें बताई थी, कोई भी शुरुआत होता है तो जीवन में हम कोई भी नए काम की शुरुआत करते हैं तो ये व्यक्तिगत अनुभव भी है और आप सब लोगों ने भी देखा होगा कि कोई भी आप नई चीज़ करें सबसे पहले आपको हास्य का वो बनना पड़ेगा, सबसे पहले आपकी मजाक बनाई जाएगी कि देखो ये क्या कर रहे हैं। ये ब्रह्मा बाबा के साथ भी हुआ था, मैं एक दिन पढ़ रहा था जब उन्होंने पहले कोशिश की कि ऐसी चीज़, तो उस वक्त क्या है, जैसे आज भी हम देखते हैं कई स्पिरिचुअल, कई संस्थान ऐसे हैं जहाँ पर महिलाओं को बराबरी नहीं है, जैसे अभी किसी की बात नहीं करनी चाहिए, जैसे अभी मैं स्वामीनारायण मंदिर में एक कार्यक्रम में गया था तो वह महिलाओं को अंदर अलाउ नहीं करते, तो सोचो कि बाबा ने कैसे सोचा कि इन बेटियों से इतनी चीज़ें करवा लेंगे। तो एक शुरुआत हुई, उस वक्त काफ़ी लोग हंसते थे, आप भी सोचते हैं जो हमारी बड़ी दादियाँ या बड़ी दीदी हैं वो जब किसी गांव में या किसी अदर साइड सेवा करने जाती होगी वाइट ड्रेस पहनकर, वाइट ड्रेस को आप भी जानते हैं गांव में क्या सोचा जाता है, तो ऐसी सबके साथ समस्या होगी, लोग हंसते होते, अरे यार ये क्या करेंगे, ये मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, जब हम झाड़ू लेकर निकले सब हंसने लग गए कि ये नया नया चोचले कर रहा है इससे क्या होगा। तो हास्य का सामना सबको करना पड़ता है, उस कदम को अगर आप पार कर जाएंगे
तो वही लोग जो आप पर हंसते थे ना, वो आपका विरोध करना चालू करेंगे। वो कहेंगे कि ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये चीज़ें मतलब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारा सामर्थ्य खराब होता। एक मैं आपको एक स्टोरी की मेरे को याद आ रही है, एक जैसे हाथी को हम देखते हैं ना, तो गाँव में हमारे हाथी जब जाता है ना, तो सब लोग उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जा सकते हैं, क्योंकि गणेश जी का उसको प्रतिरूप मानते हैं। तो हाथी के सामने जब लोग किसी भी गांव में जाता है, तो हम देखते हैं कि उसके पीछे कुछ लोग भौंकने वाले भी होते हैं, कुत्ते जिनको कहते हैं। तो हाथी एकमात्र जानवर है जिसके पीछे सबसे ज़्यादा कुत्ते भौंकते हैं। अब पता भी नहीं क्यों भौंकते हैं, अगर मुझे पता होता उनकी आवाज़ भाषा में समझता तो मैं उनसे पूछता जरूर कि भाई भौंकते क्यों हैं, और अगर मैं पूछता तो शायद वो मुझे यही बताते कि हमें हाथी से प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है जो इस हाथी के सामने जो हाथ जोड़े खड़े हैं ना, उन लोगों से हमें प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार से विरोध होता है। तो जिसका मैं एक चीज़ मानता हूँ, जो कुछ भी अलग करेंगे उनको ये विरोध झेलना पड़ेगा, और अगर उसको भी हम पार कर लेंगे तो सोचिए कि फिर तीसरा जो आता है वो आता है सहयोग। आज आप सोचिए, जैसे मैं अभी बाबा के लिए कह रहा था, ब्रह्मा बाबा के लिए, कि पहले उनका हास्य बनाया, फिर उनका विरोध हुआ, लेकिन आज देखिए आप, हम लगभग 150 देशों तक पहुंच गए, अब मिल रहा है सहयोग। तो कोई भी काम हम निरंतर तरीके से करते रहेंगे तो सहयोग मिलना भी स्वाभाविक होता है। आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। लखनऊ की नगरी पता है चंद्रेश भाई, ये मम्मा बाबा की नगरी है। प्यारे बाबा ने, मम्मा ने आकर के सेवाएं यहाँ की है, और स्वयं बाबा करत गुलजार दादी जी ने यहाँ आकर के सेवाओं की शुरुआत की है। तो गुलजार दादी जी के हाथों से पल्लवित बगीचा है, तो इस स्थान पे जो भी आता है वो भी भाग्यशाली, और हम भी अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। यहाँ बाबा ने एक सेवा का मौका दिया है, कैसे गुप्त रीति से बाबा अपना महान कार्य करा रहे हैं, तो सेवा में आप भी शामिल। एक लॉटरी हमको दी, बिन मांगे, कहा ना डॉक्टर साहब भी आए थे अभी 2 दिन पहले, बिन मांगे ही मोती। वैसे इस बार भी अचानक कि आपका आना हुआ, ये भी बाबा की गिफ्ट कहेंगे। आपने जो संकल्प दिया है तो हम अवश्य पूरा करेंगे, और पूरा करके उस मॉडल को देखने के लिए हम जरूर बुलाएंगे आपको। ठीक है, हम जरूर कहना चाहेंगे कि जैसे आप बता रहे थे ना कि बाबा मम्मा की ये धरनी है, तो ऐसे ही सबसे अच्छी बात ये है कि तपोवन में किसानों की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम वहाँ पर करवाते हैं। पूरे भारत से सबसे पहले यूपी से ऑफिशियली सरकार के खर्चे से सरकार किसानों को भेजना शुरू किया है सरकार ने, ये सबसे पहली पहल यूपी से हुई है, और फिर अभी राजस्थान सरकार ने भी इसमें सहयोग दिया है, और अभी अन्य स्टेट्स भी इसमें आगे आ रहे हैं। तो ज़रूर यूपी का बहुत बड़ा और विशेष रोल है, और बाबा भी कहता है कि सतयुग की शुरुआत कहाँ होगी, जमुना के कंठे पर, है ना। तो ये बस हम वहीं पर हैं, और कुछ न कुछ विशेष विशेष सेवा के निमित्त बनेंगे, ऐसी शुभ भावना है। ओम शांति। सिर्फ जमुना के कंठे से खुश नहीं होना, अब कंठे पे लाने के लिए मेहनत पहले करनी पड़ेगी, तब जमुना के कंठे भी हम स्वर्ग ला पाएंगे। उतनी मेहनत, पुरुषार्थ, 20 नाखूनों का हम सबको जोर लगा करके सेवा करनी पड़ेगी। अच्छा भाई, ओम शांति, थैंक यू। 1 मिनट सभी बाबा की याद में बैठ जाओ, 1 मिनट के लिए सभी याद।